मित्रों, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उनकी जिज्ञासाएं रहती हैं कि आचार्य जी, आप जब भी गायत्री साधना के संबंध में बात करते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने की बात करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में साधना इतनी आवश्यक क्यों होती है? क्या हम ब्रह्म मुहूर्त के बाद साधना नहीं कर सकते हैं? ये सब आप लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व क्यों होता है, ब्रह्म मुहूर्त में साधना क्यों करना चाहिए, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में मुहूर्तों का अपना एक विशेष महत्व है। आप कोई भी पूजा करते हैं, चाहे लक्ष्मी पूजन हो, जो भी त्यौहार आते हैं, उन त्यौहारों पर आप विशेष मुहूर्त पर भी पूजन करते हैं। जब विशेष मुहूर्त होता है उसी समय आप पूजन करते हैं, चाहे वो दिवाली हो, बसंत पंचमी हो, या कोई भी त्यौहार हो, तो आप जो है किसी पंडित के पास में जा कर के मुहूर्त निकलवाते हैं कि भाई इस पूजन का मुहूर्त क्या है। बगैर मुहूर्त के हम कोई कार्य नहीं करते हैं। आपको गृह प्रवेश करना है तो मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है, शादी हो रही है तो उस समय मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से जब हम भगवान के समीप बैठते हैं तो मुहूर्त की आवश्यकता रहती है। तो वह भगवान के समीप बैठने का सबसे बेहतरीन जो मुहूर्त होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आने ब्रह्मा जी का मुहूर्त, ब्राह्मण बनने का मुहूर्त। तो इस समय पर जो भी व्यक्ति उठ करके ईश्वर आराधना करता है उसके अंदर ब्राह्मण के गुण आते हैं। गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। तो कब है गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु? कि आपके अंदर ब्राह्मण जैसे गुण आना चाहिए। तो वो गुण कब आएंगे? जब आप उस मुहूर्त में सो करके उठेंगे। यानी ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि अंधेरा जाता है और उजाला आता है। सूर्य उदय होते रहता है, तो जब सूर्य उदय होता है तो इसके उसके जो प्रकाश की जो किरणें हैं बड़ी सौम्य होती हैं, उनसे विटामिन डी निकलता है। तो उससे विटामिन डी निकलने से क्या होता है कि आपके अंदर जो है पॉजिटिव विचार आते हैं, आपके अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, तो जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो नष्ट होती है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ब्रह्म मुहूर्त में जब व्यक्ति सोकर के उठता है, घूमने जाता है, टहलने जाता है, तो उसके स्वास्थ्य में उसका सुधार होता है। और उस समय यदि आप साधना करते हैं तो उसी समय सारी प्रकृति का जागरण होता है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, झरने इत्यादि जो है सभी के सभी उस समय ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ जाते हैं। सिर्फ एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो उस समय सो करके नहीं उठता है। तो इस ब्रह्म मुहूर्त में हम यदि सो करके उठते हैं तो उस समय जो विशेष ऊर्जा होती है, एक जो शांति होती है, एक वातावरण में जो शांति रहती है, क्योंकि ये जो एक ऐसा समय रहता है जिस समय प्रकृति एकदम से जो है शांत हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 2-2.5 घंटे का, उस समय प्रकृति एकदम शांत हो जाती, सारी चीज़ें एकदम शांत हो जाती हैं। उस स्थिति में यदि आप ध्यान करते हैं जहाँ किसी प्रकार का कोई भी कोलाहल नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी अवरोध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो वो अंतर तक जाता है आपके। तो ऐसी समय पर यदि आप साधना करते हैं तो वो अन्य समय पर की गई साधना से कई गुना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होता है।
दूसरा क्या होता है कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठते हैं और उस समय जब साधना करते, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा तो ब्रह्म मुहूर्त में जो बच्चे सो करके उठते हैं और जब पढ़ते हैं तो उनको वो चीज़ फिर हमेशा याद हो जाती है। तो उस समय जब आप साधना करते हैं तो साधना आपके अंतर तक इतनी जाती है कि आपके जो है अंदर तक जो है मंत्र जो है वो गुंजायमान हो जाता है। अन्य समय पर आप साधना करेंगे तो वातावरण में कोलाहल रहेगा, नकारात्मक ऊर्जाएं रहेंगी, तो उस समय की हुई साधना आपके जो है दिमाग को स्थिर नहीं रख पाती है। ब्रह्म मुहूर्त में आपका दिमाग स्थिर होता है। इसके लिए यदि आप एक छोटा सा प्रयोग और करें, रात्रि में सोते समय जो हमने आपको आत्मबोध और तत्वबोध की साधना के एक दो वीडियो डाली हुई, और कल ही हमने एक वीडियो डाला है कि रात्रि में सोते समय आपको किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आपने धर्मशास्त्रों में सुना होगा कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसे राम राम बोलने के लिए बोला जाता है, या उस समय जो है कुछ गीता इत्यादि का पाठ किया जाता है ताकि मरते समय उसके विचार अच्छे हों। इसी प्रकार से जब व्यक्ति सोता है तो वो भी एक प्रकार की मृत्यु के उसमें चला जाता है, एक प्रकार की समाधि में वो चला जाता है। तो उस समय सोने के पूर्व हम यदि अच्छे विचार करेंगे, आत्मबोध तत्वबोध की साधना जो हमने बताई है, और कल ही हमने एक वीडियो डाला है कि सोते समय हमारे विचार किस प्रकार के होने चाहिए, भगवान से को हमें किस प्रकार से धन्यवाद देने चाहिए, तो वैसे विचार लेकर के यदि आप बिस्तर पर जाकर के सोएंगे तो वही विचार जब आप सो करके उठेंगे तो उसी विचारों की श्रृंखला आपके जीवन में आएगी, और फिर वही सकारात्मक ऊर्जा जो है आपके अंदर प्रवेश करेगी। फिर आप पाएंगे कि दिन भर आपके अंदर जो दिमाग में है जो पूरे के पूरे सकारात्मक विचार ही आते रहेंगे, और जब व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार आते तब फिर उसका हर चीज़ को काम करने का मन लगता है, ना उसके अंदर आलस्य रहता है, ना उसके अंदर क्रोध रहता है, ना उसके अंदर लोभ रहता है, ना उसके अंदर कोई वासनाएँ रहती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का एक ऐसा समय होता है, उस समय का यदि आप सदुपयोग कर लें, उसके पहले रात्रि में आप जो है 5-10 मिनट का जो हमने आपको प्रयोग बताया उस प्रयोग को करने के पश्चात में जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठेंगे और साधना करेंगे तो उस समय की हुई साधना आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त करेगी। आपके स्वास्थ्य को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा होगी। तो मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त के समय को बहुत ज़्यादा उपयोगी माना गया है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ करके हम आपको बोलते हैं कि गायत्री की साधना आपको करना चाहिए, क्योंकि उस समय प्रकृति पूर्ण रूप से जो है, प्रकृति में जितने भी पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे, इस सब के सब जग जाते हैं, पुष्प जो है वो खिल जाते हैं, उनकी खुशबू चारों तरफ बिखर जाती है। तो ऐसे समय पर जब सूर्य की जो किरणें निकलती हैं उनसे विटामिन डी निकलता है, तो वो सात्विकता हमारे अंदर आती है, और फिर हमें हमारे अंदर जो है ब्राह्मणत्व का जागरण होता है। तो निश्चित रूप से आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठेंगे और साधना करेंगे तो आपकी साधना बहुत जल्दी फलित होगी, और आप के अंदर जो है सकारात्मक जब विचार आएंगे तो फिर आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा। व्यक्ति वही होता है, लेकिन यदि उसके विचार बदल जाए तो फिर व्यक्ति के जीवन में कई क्रांतियां आ जाती हैं। आपके विचार यदि गंदे हैं तो आप गलत काम करते हैं, आपके विचार अच्छे हैं तो आप अच्छे काम करते हैं। व्यक्ति वही होता है, लेकिन उसी व्यक्ति को एक को पूजा जाता है, दूसरे को धुतकार दिया जाता है। तो जिस दिन हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, जिस दिन हमारे विचार बदल जाते हैं, उस दिन हम दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं। तो यदि आपको अध्यात्म में ऊँचा उठना है तो फिर आपको इन 2-2.5 घंटे का समय का आपको उपयोग करना चाहिए, और इस समय यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आप अध्यात्म बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, माँ गायत्री का सानिध्य आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके मन की भ्रांति दूर हुई होगी कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों सो करके उठना चाहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।